व्हाट इज YML? YML क्या है? सो YML क्या है वो पूरे हम इस सेशन में देखेंगे, और YML फाइल कैसे लिखते हैं, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो सारे हम इस सेशन के अंदर देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज YML से। सो YML इज ह्यूमन रीडेबल डेटा सीरियलाइजेशन स्टैंडर्ड दैट कैन बी यूज टू कंजक्शन विथ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज ऑफन यूज टू राइट कॉन्फिग्रेशन फाइल। सो बेसिकली YML क्या है, एक ह्यूमन रीडेबल सीरियलाइजेशन स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जहाँ पे इसका यूज़ बेसिकली क्या होता है, तो कंजक्शन मतलब ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इसका कंजक्शन करने के लिए। तो बेसिकली उसका यूज़ क्या है, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट करने के लिए YML फाइल यूज़ होती है, और कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल रीड करने का मतलब उसका जो कंजक्शन है, तो सारे ऑल मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इसका कंपेटिबिलिटी रहती है, तो इसलिए ज़्यादा YML यूज़ होता है। तो YML का मेन गोल यही है कि उसका जो फॉर्मेट रहता है ह्यूमन रीडेबल है, तो बहुत ही इजीली रहता है, हाईली रीडेबल फॉर्मेट है। एंड YML फॉर्मेट जो डिज़ाइन हुआ है वो ह्यूमन फ्रेंडली बनने के लिए डिज़ाइन हुआ है, और ये बेसिकली परफेक्टली काम करता है ऑल लैंग्वेज, मतलब जितने लैंग्वेज के साथ, जैसे बोला कि कंजक्शन सपोर्ट करता है। और दूसरा क्या है कि बहुत ही यूजफुल है जहाँ पे मैनेज डेटा मतलब करने के लिए, एंड इसका जो यूनिकोड फॉर्मेट रहता है वो प्रिंटेबल कैरेक्टर रहता है, मतलब आप उसको प्रॉपरली इसको देख सकते हो, और वन कैन उसको मतलब रीड करने के बाद वो समझ सकता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सो बेसिकली YML फाइल के दो एक्सटेंशन है, एक है YML है, दूसरा YAML, दोनों का सेम लॉजिक है, कोई डिफरेंस नहीं, बट आप ये दोनों फॉर्मेट में आपका फाइल सेव कर सकते हो। सो YML फाइल को कैसे लिखते हैं वो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं अभी। सो YML फाइल लिखने के लिए फर्स्ट YML का लॉजिक क्या है, तो YML का लॉजिक ये है कि ये की वैल्यू पेयर स्टोर करता है। तो की वैल्यू पेयर कैसे स्टोर करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ की, और यहाँ पे वैल्यू मैं देता हूँ विजय, तो ये मेरा की वैल्यू हो गया। दूसरा क्या, मैं एज देता हूँ यहाँ पे, तो 30 मेरा एज हो गया। जेंडर देते हैं, तो यहाँ पे जेंडर में आप बोलोगे कि मेल है, तो ये एक की वैल्यू बेज स्टोर हो गया। अभी आप बोलोगे कि मुझे थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल करना है, तो उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी लिस्ट आप ऐड कर सकते हो। तो इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या बनाओ, पर्सन, पर्सन बना ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट पूरे उसके अंदर आ गया। अभी इसके अंदर मल्टीपल लिस्ट भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैं ये नेम को बना दिया अलग, अभी दूसरा मुझे ऐड करना है, तो नेम यहाँ पे ऐड करो। स्पेस देना मैंडेटरी है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा अगर आप स्पेस नहीं दिया तो। यहाँ पे मैं दूसरा नाम डालता हूँ, तो ये क्या हुआ, सब क्लास हो गया इसका। सो अभी क्या हुआ कि पर्सन के अंदर मेरा मेन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मल्टीपल पर्सन है, जैसे कि उसमें डिक्शनरी है, नेम मतलब विजय, एज 30 है, जेंडर मेल है, पर नेम के अंदर मतलब ये मेरी सब प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये मेरे पर्सन विजय की सब प्रॉपर्टी यहाँ पे एज और जेंडर है। ऐसे सनित के लिए भी दो है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्सन के अंदर मैंने लिस्ट बनाया, उसके अंदर मैंने डिक्शनरी बनाया। तो ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मुझे नल वैल्यू अगर ऐड करनी तो कैसे ऐड करूँ। जैसे मुझे कोई डिस्क्रिप्शन देना है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है कि क्या डिस्क्रिप्शन दूँ, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मुझे नल देना, कि अभी मेरे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, वैल्यू नल है, तो आप NULL लिखोगे तो ये नल रहता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है कि लिस्ट ऐड करना है, तो लिस्ट ऐड कैसे, सो मैं अभी हॉबी नाम का यहाँ पे मतलब एक फील्ड ऐड करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम लिस्ट ऐड करेंगे। तो मेरी हॉबीज क्या है, तो उसके अंदर मैं बोलूँगा क्रिकेट, हॉकी एंड मूवी। सो ये मेरे तीन हॉबीज है, मतलब हाइफन के साथ मैं जितना भी दे रहा हूँ ये मेरे प्योर लिस्ट में ऐड हो रहा था, मतलब ये लिस्ट ऑफ एरे, मतलब मेरी हॉबीज क्या है, तो उसके अंदर तीन एरे आइटम है, क्रिकेट, हॉकी और मूवी। इसको हम दूसरी तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे देना है हॉबीज,
सो ये दोनों सेम ही है, मतलब मैंने डिफाइनेशन मेथड डिफरेंट है बट दोनों ही लिस्ट ऑफ एलिमेंट है। मतलब आप देख सकते हो, तो मैंने हॉबीज़ का जो लिस्ट बनाया है जिसके अंदर तीन आइटम है, ऐसे मतलब मैंने डिफाइन किया, वो सीक्वेंस में डिफाइन किया, दूसरा मैंने डिफाइन किया एक ब्रैकेट में डिफाइन किया। मतलब कि ये मतलब डेफिनेशन ऑफ दोनों का एक ही वैल्यू है बट इट्स अ वे ऑफ डिफरेंट। ओके, अभी नेक्स्ट करते हैं, मैं एक दूसरा एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे हम डिक्शनरी एग्जांपल देते हैं। सो मेरे फ्रेंड्स ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड ए फ्रेंड जिसे हमने पहले भी ऑप्शन दिया था, यहाँ पे फ्रेंड्स के अंदर मैं नेम दे रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड्स कितने हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा मनीष, ये मेरा फ्रेंड है, उसकी एज है 30। दूसरा मेरा फ्रेंड है, सॉरी आई फॉरगॉट टू गिव द स्पेस, स्पेस इज मैंडेटरी हियर। दूसरा मेरा फ्रेंड है डेनी, एंड उसकी एज है 25। सो ये मैंने क्या किया है कि लिस्ट के अंदर मैंने डिक्शनरी बनाई, मतलब की वैल्यू पेयर बनाया कि लिस्ट के अंदर भी हम ऐसे कन्फिगर कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि मैं इसी को दूसरे वे से भी मैं कन्फिगर कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, मेरा फर्स्ट जो था कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन दूसरा मैं चेंज करता हूँ, ये ब्रैकेट के साथ हम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर ये दोनों पास कर दिया, तो ये दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है बट दोनों का काम एक ही है। मतलब दोनों के अंदर हमने एक जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन किया है, मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है YAML। अभी नेक्स्ट जो है उसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन जैसे यहाँ पे दिया, तो दूसरा ऐसा डिस्क्रिप्शन फिर मुझे ऐड करना है। तो अभी एज्यूम करो कि बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन है मेरा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए एक प्रिंट कर रहा हूँ कि बहुत लंबा है, तो ये इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मतलब मुझे प्रॉपर हैंडलिंग कुछ मिल जाए तो अच्छा है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे, आप ग्रेटर देन साइन दे सकते हो, उसके बाद आप जितना भी दे दो वो एक लाइन के अंदर ही लेगा। जैसे कि मैंने इसको ये मल्टीपल लाइन यहाँ पे डिवाइड किया ग्रेटर देन साइन के बाद, बट इसका इनपुट एक ही लाइन रहेगा। सो एक ऑप्शन है ग्रेटर देन साइन। अभी एज्यूम ऐसा करो कि यहाँ पे मतलब प्रॉपर फॉर्मेट है सिग्नेचर का, और यहाँ पे उसके अंदर प्रॉपर वैल्यू लिखी हुई, जैसे कि अभी मुझे मल्टीपल लाइन को इनपुट लेना है पर उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे आप उसको पाइपलाइन दे दो, मतलब सिंपल है पाइप दे दो, तो ये फॉर्मेट लेगा मल्टीपल लाइन को इनपुट बट वो फॉर्मेट चेंज नहीं रहेगा। मतलब सेम, मतलब जैसे आपने मल्टीपल लाइन में लिखा है बट सेम फॉर्मेट में ही वो रीड करेगा। जैसे हमने ग्रेटर देन में क्या होता था कि वो एक लाइन में इनपुट लेता था। अभी मुझे रेफरेंस वैल्यू चेंज करना है, तो रेफरेंस वैल्यू चेंज कैसे करें, या तो मेरा असाइन कैसे करें, तो कैसे करें, मैं कन्फिगर कर रहा हूँ नेम, तो नेम में मैं वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे विजय, बट यहाँ पे नेम के अंदर मैं उसको एंकर टैग दे देता हूँ नेम। अभी ये वैल्यू जो मुझे नेक्स्ट जो टैग बनाना है, जैसे कि मुझे नेक्स्ट टैग बना है आईडी, तो आईडी में उसको मुझे वैल्यू पास करनी है, को मुझे लिखना नहीं आईडी में, मुझे मेरे नेम की वैल्यू पास करनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो एंकर टैग बनाया है उसको पास कर देता हूँ नेम, तो मेरा नेम की वैल्यू आईडी में असाइन हो जाएगी। ओके, अभी जो नेक्स्ट है, मतलब वेरिएबल को कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें? तो उसके लिए ये है कि जैसे कि अपना एज है, तो मुझे एज को चेंज करना है फ्लोट में, तो सिंपल है आप डबल एक्सक्लेमेशन मार्क दे दो और यहाँ पे आप लिख दो फ्लोट, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी फ्लोट के अंदर। तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? तो यहाँ पे आएगा 30.0। सेम में अगर मुझे स्ट्रिंग में चेंज करना है तो यहाँ पे str लिख दो और इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी
30। ओके अभी नेक्स्ट जो है कमेंट, जो वैसे हमने यहाँ पे ले लिया, तो कमेंट करना है तो हैश के आप कर सकते हो, यहाँ पे जो भी लाइन में कमेंट करना है हैश करने के बाद वहाँ पे कमेंट आउट कर सकते हो। तो ये था बेसिक YML लिखने का स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस और YML कैसे लिखते हैं उसका बेसिक एग्जांपल। सो स्मॉल रिकैप ले लेते हैं YML फाइल का। तो बेसिकली YML फाइल क्या है, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है जहाँ पे स्टोर की वैल्यू, फिर में हम करते हैं लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट के अंदर आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी के अंदर आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो और लिस्ट के अंदर भी आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। टैब आप नहीं कर यहाँ पे पास कर सकते हैं, उसकी जगह पे यहाँ पे स्पेस हम पास करते हैं एंड जिस स्पेस के अंदर जो हम इंडिकेट करते हैं कि न्यू आइटम है उसके अंदर, तो सेम स्पेस लोगे तो उसके अंदर की न्यू आइटम रहेगी। दूसरा क्या क्या ब्रैकेट के अंदर आप पास कर सकते हो, एरे मतलब जिसको हम लिस्ट भी बोलते हैं वो पास कर सकते हो एंड कमेंट करने के लिए हैश यहाँ पे यूज़ होता है।